ओम शांति बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है संगत का असर। एक बार की बात है, एक भंवरे की मित्रता एक गोबर में रहने वाले गोबरी कीड़े से हो जाती है। एक दिन गोबरी कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाना चाहता हूँ। भंवरे ने कहा, ठीक है मित्र, मैं आ जाऊँगा। अगले ही दिन भंवरा गोबरी कीड़े के यहाँ खाने पर पहुँच गया। खाने पर से वापिस जाने के बाद भंवरा सोचने लगा कि मैंने बुरे दोस्त का साथ किया, इसीलिए मुझे गोबर खाना पड़ा। फिर एक दिन भंवरे ने गोबरी कीड़े को कहा कि दोस्त, कल तुम मेरे यहाँ खाने पर आओ। गोबरी कीड़ा भी मान गया। अगले दिन जब कीड़ा भंवरे के यहाँ पहुँचा तो भंवरे ने कीड़े को उठाकर एक गुलाब के फूल पर बिठा दिया। गोबरी कीड़े ने जिंदगी में पहली बार पराग रस पिया। इसके लिए जब वह कीड़ा अपने मित्र का धन्यवाद कर ही रहा था, तभी वहाँ एक मंदिर का पुजारी आया और उसी गुलाब के फूल को तोड़ कर ले गया जिस पर वह कीड़ा बैठा था। पुजारी जी ने उस फूल को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। गोबरी कीड़े को ठाकुर जी के दर्शन हुए और ठाकुर जी के चरणों में बैठने का परम सौभाग्य भी मिला। शाम को पुजारी जी ने सारे फूल इकट्ठे किए और उन्हें गंगा जी में छोड़ दिया। अब कीड़ा अपने भाग्य पर बहुत हैरान था। इतने में भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और भंवरे ने पूछा, मित्र तुम्हारा क्या हाल है? तो कीड़े ने कहा, मित्र मेरी तो जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो गई है, ये सब और सिर्फ अच्छी संगत का ही फल है। बच्चों, कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ तो हमारा खून का रिश्ता हो नहीं सकता, इसीलिए कुछ लोगों के साथ मिलकर ईश्वर हमें अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजोकर ही रखना चाहिए। ओम शांति।